नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट की गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय पर ही बड़े सवाल खड़े कर रही है। इस गाइडलाइन में कोरोना के मरीजों को जो पिछले एक साल से दवाएं दी जा रही थी, उन दवाओं को अब गैर जरूरी बता दिया गया है। सरकार की इस नई लिस्ट में जिंक और विटामिन सी जैसी दवाएं भी गैर जरूरी बताकर गायब कर दी गई हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सारी दवाएं ICMR की गाइडलाइंस में दी गई हैं और ये पिछले एक साल से कोरोना की मरीजों को दी जा रही हैं। सरकार ने जिन दवाओं पर रोक लगाई है, उनमें बड़ी मशहूर दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी है। ये वही दवा है जिसे पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना की रामबाण दवा बताई थी और भारत ने उनके कहने पर इसकी एक बड़ी खेप अमेरिका भेजी। ये दवा बेसिकली मलेरिया में दी जाने वाली दवा है जिसे पिछले एक साल से कोरोना के पेशेंट्स को दिया जा रहा था। इस सरकारी गाइडलाइन ने डॉक्टरों को बहुत बड़े असमंजस में डाल दिया है। डॉक्टरों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि वो किसकी गाइडलाइन माने, सरकार की या ICMR की। सरकार कह रही है कि अब से कोरोना के मरीजों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के अलावा आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन, जिंक और मल्टीविटामिन की गोलियां देना बंद कर दिया जाए। इसके अलावा जुकाम होने पर केवल एंटीपायरेटिक और एंटीट्यूसिव दवाएं ही दी जाएंगी। गाइडलाइन में साफ किया गया है कि बिना वजह किसी मरीज को सीटी स्कैन के लिए न भेजा जाए। इसके अलावा रेमडेसिविर के लिए भी सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कहा है कि अस्पताल में भर्ती मध्यम और गंभीर मरीजों को बीमारी की शुरुआत के 10 दिन के अंदर ही ये दवा दी जाए। इसके अलावा स्टेरॉयड पर भी सलाह दी गई है। सरकार का कहना है कि स्टेरॉयड का बिना वजह इस्तेमाल न किया जाए और जब भी किया जाए तो सही मात्रा में किया जाए। इस गाइडलाइन को लेकर डॉक्टरों में गंभीर मतभेद सामने आने लगे हैं। BMC के कुछ डॉक्टरों का कहना है कि इस गाइडलाइन में गंभीर मरीजों के लिए कोई बात नहीं कही गई है। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं कि वो डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था ICMR की माने या सरकार की। वैसे मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अंडर में काम करने वाला स्वास्थ्य मंत्रालय पूरे कोरोना काल में विवादों का केंद्र बना रहा है। सवाल यह है कि एक साल बाद सरकार को यह सुध आई है कि कोरोना के मरीजों को कौन सी दवा देनी है और कौन सी दवा नहीं देनी है। जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें और ICMR की गाइडलाइन में जो फर्क है वो यह बता रहा है कि सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन दिशा निर्देशों को जारी करते वक्त ICMR को भरोसे में नहीं लिया। क्या सरकार यह साफ करेगी कि उसे अचानक ही या कैसे पता चल गया कि अभी तक कोरोना के मरीजों को जो दवाएं दी जा रही थी वो दवाएं अब नहीं दी जानी चाहिए? इसके लिए कोई रिसर्च की गई? अगर कोई रिसर्च की गई है तो उस रिसर्च में ICMR को क्यों नहीं शामिल किया गया? कम से कम रिसर्च के नतीजों को डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था के सामने रखा जाना ही चाहिए था। आज के दौर में विज्ञान और तर्क की बातें करना गुनाह है। वैसे भी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को दवाओं से ज्यादा एलोपैथी और होम्योपैथी की कुश्ती में ज्यादा मजा आता है। इन सबके बीच सांसद में किसी की जान है तो वो है कोरोना का मरीज, जिसे एक साल से अभी तक यह नहीं पता कि उसे जो दवा दी जा रही है वो सही भी है कि नहीं है, और क्या पता आज वो जो टेबलेट खा रहा हो एक साल बाद सरकार ये बताए कि अरे यार ये टेबलेट तो कोरोना के इस केस में दी ही नहीं जानी चाहिए थी। यहां पर सब कुछ राम भरोसे चल रहा है।